हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम भारत के एक ऐसे किले को जानेंगे जिस पर तोप के गोले भी हो जाते थे बेअसर और अंग्रेजों ने भी मान ली थी हार। दोस्तों, भारत में कई ऐसे किले हैं जो किसी न किसी वजह से मशहूर हैं। दोस्तों, एक ऐसा ही किला है राजस्थान के भरतपुर में, जिसे लोहगढ़ का किला कहा जाता है। दोस्तों, इस किले को भारत का एकमात्र अजेय दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसे कभी कोई जीत नहीं पाया, यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी हार मान ली थी। दोस्तों, इस किले का निर्माण 285 साल पहले यानी 19 फरवरी 1733 को जाट शासक महाराजा सूरजमल ने करवाया था, क्योंकि उस समय तोप और बारूद का प्रचलन अधिक था। इसलिए दोस्तों, इस किले को बनाने में एक विशेष तरह का प्रयोग किया गया था, जिससे कि बारूद के गोले भी किले की दीवार से टकराकर बेअसर हो जाएं। दोस्तों, इस किले के निर्माण के समय पहले एक चौड़ी और मजबूत पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई, ताकि इन पर तोपों के गोलों का असर नहीं हो। दोस्तों, इसके लिए इन दीवारों के चारों ओर सैकड़ों फुट चौड़ी कच्ची मिट्टी की दीवार बनाई गई और नीचे गहरी और चौड़ी खाई बनाकर उसमें पानी भरा गया। ऐसे में अगर दुश्मन पानी को पार भी कर गया तो सपाट दीवार पर चढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। दोस्तों, इस किले पर आक्रमण करना किसी के लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि तोप से निकले हुए गोलेगार की दीवार में धस जाते थे और उनकी आग शांत हो जाती थी। दोस्तों, इससे किले को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता था। दोस्तों, यही वजह है कि दुश्मन इस किले के अंदर कभी प्रवेश नहीं कर पाए। दोस्तों, कहा जाता है कि इस किले पर कब्जा जमाने के लिए अंग्रेजों ने 13 बार आक्रमण किया था और अंग्रेजी सेना ने यहां सैकड़ों तोप के गोले बरसाए थे, लेकिन दोस्तों इन गोलों का किले पर कोई भी असर नहीं हुआ। वह 13 में से एक बार भी किले को भेद नहीं सके। कहा जाता है कि अंग्रेजों की सेना बार बार हारने से हताश होकर वहां से चली गई। दोस्तों, अंग्रेज इतिहासकार जेम्स टॉड के मुताबिक इस किले की सबसे बड़ी खासियत इसकी दीवारें ही थी, जो मिट्टी से बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी इस किले को फतह करना लोहे के चने चबाने से कम नहीं था। दोस्तों, इस किले ने हमेशा दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। तो दोस्तों, ये था भारत का एक अनोखा किला। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।